हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे दस हसिकल गीत। तो कैसे हो आप लोग, होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत मजा आएगा आपको देखने के लिए। स्पेशली स्किन केयर पे है, तो अब विंटर्स आने वाले हैं और समर्स जाने वाले हैं, तो स्किन केयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो स्किन केयर पे कैसे ध्यान दें, तो मैंने गुड वाइब्स के नाइट टोनर और एसेंशियल ऑयल सेरम और एक मैंने स्क्रब मंगवाया। तो हमें स्क्रब भी करना बहुत जरूरी है विंटर में। सीरम तो हमें लगाना ही चाहिए और टोनर तो टोन करता है, तो फिर वो तो बनता ही रहता है। सब लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए लेकर आ गई हूँ ताकि वो उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि हमें ऑयली स्किन के लिए स्पेशली सब कुछ मिले क्या, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। तो ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए लेकर आ गई हूँ। अगर ड्राई पे बनाने होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उस पर भी जरूर वीडियो बनाऊंगी ड्राई स्किन पे। तो स्पेशली ये ऑयली स्किन के लिए है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। जो अभी बिगनर है, जो शुरुआत करना चाहते हैं चीज़ों को खरीदने की, तो अभी कॉलेज स्टूडेंट जो है और स्कूल गर्ल्स है, तो उनके लिए भी वीडियो है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे कल रिसीव हुआ purple.com से, तो तीनों मेरे पैकेज इसमें ही आए। तो purple.com में ही गुड वाइब्स के, purple.com में ही फेमस है, गुड वाइब्स की चीज़ें मिलती हैं। और ये डब्बा अच्छे से पैक होके आया था, बहुत ही बड़ा तरीके से। मैं इंप्रेस हो गई, इसके अंदर एक बलून भी था ताकि मतलब प्रोडक्ट जो फटे ना, हिले डुले ना। तो आप इजीली बाय कर सकते हैं उससे purple.com से। तो सबसे पहले बात करें तो टोनर की, तो टोनर मैंने यहाँ पर जो मंगवाई वो ग्रीन टी का टोनर है गुड वाइब्स का। और ग्रीन टी का क्यों मंगवाया मैंने वो भी आपको मैं अभी बताती हूँ। ये ग्रीन टी ऑयली स्किन के लिए स्पेशल है और ये ग्लो करता है आपकी स्किन को। ये बोल रहा है ये रिच है बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट में और इन्फ्लेमेटरी भी है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज है। और ग्रीन टी आप रिवील करता है आपको, स्मूथ देता है आपकी स्किन को, स्मूथ बनाता है और ये टोन कर देता है आप स्किन को, मतलब हाइड्रेट रखता है। और पानी की कमी बिल्कुल ऐसा नहीं होता, मतलब आपकी जो स्किन है वो रूखी सूखी बेजान नहीं लगती है। और आपके जो ओपन पोर्स है उनको मिनिमाइज करता है, बंद करने की कोशिश करता है और आपकी जो ऑयल को है, डर्ट को है, वो हटाता है। ग्रीन टी में आपको बताया होगा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ग्रीन टी पीने के लिए भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, उसी तरह स्किन के लिए भी अच्छा होता है और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है एकदम। और ये कुछ कितने रुपये में आता है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, जैसे कि आपको पता है मुझे प्राइस याद नहीं रहते, तो ये मेरी गलती है, मिस्टेक है। आगे से मैं प्राइस याद करके रखूंगी, बट अभी मुझे याद नहीं, तो यहाँ मेंशन हो जाएगा। और ये बहुत ही सस्ते है, अंडर 200 रुपीज़ के बीच में, इतना तो मुझे मालूम है। तो ये बहुत ही अच्छा टोनर है। आपको उसको लगाना कैसे है, अब मैं आपको बता दूँ आपको उसको लगाना कैसे है। आपको अपने फेस को फेस वॉश से और जो भी जेल आप यूज़ करते हैं उससे क्लीन करना है, अपने फेस को साफ करना है। उसके बाद आपको रात में सोते समय लगा सकते हैं, मेकअप से पहले लगा सकते हैं, सुबह लगा सकते हैं, तीन टाइम लगा सकते हैं, दो टाइम लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लगा सकते हैं। तो आपको नॉर्मली यहाँ पर ये कैप खोली मैंने और ये स्प्रे वाला दे रखा जो मुझे बहुत सही लगता है। तो आप ऐसे अपनी स्किन पे करें और हल्का हल्का रब कर लें और सूखने का वक्त लें। तो कितना शाइनी है टोनर है, ग्लो इतना दिख रहा है, यहाँ पे वैक्सिंग नहीं हो रही सॉरी, बट ग्लो बहुत दिख रहा है। तो फेस पे कितना ग्लो दिखेगा। अभी मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक लाइनर लगा रखा है, तो मैं इसको नहीं लगाना चाह रही हूँ। नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल बनता है, नेचुरल चीज़ों से बनता है और ग्रीन टी की बिल्कुल फ्रेगनेंस आ रही है इसमें। और जो सेकेंड प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, तो वो है ये गुड वाइब्स का सीरम। तो ये सीरम आप देख सकते हैं कि छोटी सी क्यूट सी बॉटल में आता है और ये ऑयल कंट्रोल फेस सीरम है। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, अगर कैमरा इसको फोकस कर रहा है तो ये ऑयल कंट्रोल करता है फेस सीरम। ये टी ट्री एंड पपाया से बना हुआ है, इनमें दोनों में विटामिन सी होती है, तो ये पपाया से बना हुआ है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने इसको एक बार यूज़ किया तो मुझे अच्छा लगा बहुत ही, स्किन में बहुत प्लम्पी फील हुआ। तो ये आपके ऑयल कंट्रोल को ठीक कर, ऑयल कंट्रोल को हटाता है, जो ऑयल फेस पे आ जाता है ना सुबह उठते वक्त वो नहीं होता, तो आप उसको लगा के रात को सो सकते हैं और मेकअप से पहले भी आप उसको लगा सकते हैं। ट्री हेल्प्स रेगुलेट ऑयल प्रोडक्शन, पपाया इज न्यूट्रिएंट रिच एंड इवन आउट ऑफ स्किन टोन, गो ऑन लाइट अप योर वर्ल्ड। तो उसमें बोला जा रहा है कि ट्री हेल्प करता है आपके ऑयल को हटाने में, पपाया और न्यूट्रिएंट में बहुत रिच है, इवन करता है स्किन टोन को और लाइट करोगे आप पूरे। तो आपको इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता दूँ। 2-3 ड्रॉप्स आपकी फेस पे सीरम लगानी है आपको और हल्का सा रब करके उसको छोड़ देना है बिल्कुल भी, फिर पानी वानी से नहीं धोना है और बस आप हल्की सी मसाज लें और अपनी ब्यूटी स्लीप ले लें। तो अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ दिखता कैसे है। बड़ी क्यूट सी बॉटल में आया है यहाँ पे, ये कांच की बॉटल है, उसके ऊपर ये मेटल का है और ये प्लास्टिक का है। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, इसमें भी बिल्कुल पैराबेन नहीं है और अल्कोहल फ्री है, तो नेचुरल है बिल्कुल।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। हल्के हाथ से आप इसको रब करेंगे, देख सकते हैं आप इसकी कितनी अच्छी शाइन है। नो फ्रेग्रेंस, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया। आई थिंक दिस इज़ बेस्ट सीरम फॉर ऑयली स्किन। और यहाँ पे मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी, ये 230 या 220 का था, तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। आप गुड वाइब्स के प्रोडक्ट ना purple.com से खरीद सकते हैं जाके। अब थर्ड जो चीज़ है वो मैंने मंगवाया स्क्रब। तो गाइस ये गुड वाइब्स का नहीं है, ये ब्रांड मैं ट्राई करना चाहती थी, इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट पर्पल पे मुझे शो हो रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार मंगा दूँ। एल्प्स गुडनेस का ये मैंने यहाँ पे स्क्रब मंगाया। ये सैंडलवुड स्क्रब है, सैंडल आपको पता ही होगा चंदन होता है, तो चंदन का ये स्क्रब बना हुआ है। चंदन फेस को कितना ग्लो करता है, उसमें कितने विटामिन होते हैं और क्या क्या होता है वो सब मैं आपको अभी यहाँ पे लिख दूंगी सारा। सैंडलवुड फेस स्क्रब स्वीट लव हेल्प्स डिटॉक्सिफाई द स्किन, कंट्रोल्स सेबम प्रोडक्शन, लाइटनेस ब्लेमिशेस। तो इसमें लिखा गया है कि ये हेल्प करता है आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में और आपकी ऑयल को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपके जो ब्लेमिशेस होते हैं और रेड स्किन्स होती है उसको लाइटन अप करता है। और इसमें सैंडलवुड इस्तेमाल किया गया है, वॉलनट भी इस्तेमाल किया गया है और कोकम बटर भी, और काफ़ी सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं इसमें जो अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं। और हमें अब इसे स्क्रब कैसे करना है, मैंने थोड़ा सा निकाला आपको दिखा दिया है कि किस तरह दिखता है, थोड़ा सा थिक है, तो इसमें जो पार्टिकल्स ये दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे थे, इसी से हमारा फेस स्क्रब होता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ज़्यादा तेज़ से आपको घिसना नहीं है, फेस को चल जाएगा, तो आपको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसको स्क्रब करना है, अभी की जैसे मैं हल्के हाथों से कर रही हूँ ऐसे। तो आपको बताया कि स्क्रब को लगाना कैसे होता है, स्क्रब को अपने हाथों पर हल्का सा लें और बहुत ही जेंटली अप्लाई करें अपने फेस पर अच्छे से, मतलब 5 मिनट स्क्रब करें, और बहुत ज़ोर ज़ोर की ना करें, स्किन छिल जाएगी, ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्क्रब आप ये एक हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं आराम से। बहुत ही जल्दी जल्दी इस फेस को स्क्रब नहीं करना है क्योंकि स्किन छिल जाती है, बहुत इवन तरीके से स्किन को स्क्रब करना है 5 मिनट सिर्फ हल्के हल्के हाथों से, हल्के मोशन से, जिसके आपके ओपन पोर्स और आपके ऑयल कंट्रोल में काफ़ी फर्क पड़ेगा। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना किस चीज़ के ऊपर वीडियो लाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।